अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मीन अशरफ है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सस्पेंशन ट्रॉमा, जिसको ऑर्थोस्टेटिक शॉक या हार्डनेस इंड्यूस पैथोलॉजी भी कहा जाता है। सबसे पहला सवाल ये कि ये हार्डनेस इंड्यूस पैथोलॉजी होती क्या है और ये किस ट्रॉमा के बारे में बात हो रही है। बेसिकली यहाँ बात हो रही है हाइट पे होने वाले कामों की, जिनमें ऑयल एंड गैस फील्ड आ जाती है। जहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो एक वेल एक हाइट पर होता है, काफ़ी मीटर्स ऊपर होता है ज़मीन की सरफेस से, तो वहाँ पर क्रू मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जो कॉरपोरेशन होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वर्कर्स, जो हाई टेंशन वायर्स पर चढ़ के काम कर रहे होते हैं, तो एक हाइट होती है जिस पर वो काम कर रहे होते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए एक बेल्ट होती है, हार्डनेस बेल्ट, जो उन्हें पहनाई जाती है कि इन केस ऑफ एनी फॉल और एनी एक्सीडेंट वो नीचे ज़मीन पर ना गिरे, वो वहीं पर हैंग हो जाए, सस्पेंड हो जाए, बेल्ट की मदद से वो वहाँ पर लटक जाते हैं। तो अब एक तरफ तो वो बेल्ट की वजह से गिरने से सेफ हो गए, लेकिन यहाँ जो ऑर्थोस्टेटिक ट्रॉमा की बात हो रही है और शॉक की बात हो रही है, वो जब वो बेल्ट की वजह से सस्पेंड हो जाते हैं और मेजर ट्रॉमा इंजरी और डेथ से बच जाते हैं, ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं गिरते और हैंग हो जाते हैं वहाँ पर जगह पर, तो उसके बाद फौरी तौर पर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को अपना एक्शन लेना होता है और विद इन मिनट्स उस बंदे को वहाँ से रेस्क्यू करके नीचे लाना होता है। तो ये जो वीडियो है ये उसी के हवाले से है कि जब कोई बंदा इन केस ऑफ एनी इंजरी और एक्सीडेंट वो काम करते करते गिरने लगे और हैंग हो जाए वहाँ पर, हार्डनेस बेल्ट की मदद से हैंग हो जाए, तो उसको फौरी तौर पे किस तरह आपने रिस्पॉन्ड करना होता है एमरजेंसी मेडिकल टीम ने, और डॉक्टर्स का वहाँ पर क्या रोल है, उसको किस तरह आपने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है। ये वीडियो जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये भी एक इसी तरह के वेल साइट की है, जहाँ पर क्रू मेंबर्स जो है वो हाइट पर जाकर वेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डिगिंग का प्रोसेस चल रहा होता है। तो बैकग्राउंड पर वीडियो लगाने का मकसद ये कि आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जा सके। इसी में एक ड्रिल की भी एक थोड़ी सी आपको फुटेज मिलेगी, जिसमें वो एक ड्रिल की गई कि अगर एक बंदा ऑर्थोस्टेटिक सस्पेंशन का शिकार होता है, वो हैंग हो जाता है किसी हाइट पर, तो उसको किस तरह रेस्क्यू करना है, डॉक्टर्स का रोल क्या है, फर्स्ट एड में किस तरह आपने प्राइमरी सर्वे करना होगा उस पेशेंट का, जब वो वापस उसको क्रेन की मदद से नीचे उतारा जाएगा तो उसको सबसे पहले किस तरह आपने रखना है, क्या मेजर्स फॉलो करने और क्या चीज़ें नहीं करनी, पूरी वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात। क्रेन के जरिए जब बंदे को इवैक्यूएट किया जाएगा और उस जगह से जहाँ पर वो हैंग हो गया था वहाँ से नीचे सरफेस पर लाया जाएगा, तो एम्बुलेंस बिल्कुल वेल इक्विप्ड रेडी होगी, मेडिक वहाँ पर रेडी होंगे, डॉक्टर जो वो प्राइमरी सर्वे करेगा जिसमें ए बी सी डी ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, ए से एयरवे, बी से ब्रीदिंग, सी से सर्कुलेशन और डी से डेंजर साइन। अगर कोई डेंजर साइन डेवलप किए हुए नेक इंजरी हो गई है तो उसके नेक को इमोबिलाइज करके स्ट्रेचर पर लटाया जाएगा, उसके बाद उसके वाइटल्स देखे जाएंगे और उसके बाद अगर वो अलर्ट ओरिएंटेड अवेक नहीं है तो उसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड के लिए आगे रेफर किया जाएगा एज सून एज पॉसिबल जिस जगह टर्शियरी केयर हॉस्पिटल की सहूलियात मौजूद हो। इस मकसद के लिए एक वेल इक्विप्ड मेडिकल एम्बुलेंस रेडी होनी चाहिए जगह पर, और अगर उस बंदे को कोई इतनी ज़्यादा इंजरीज नहीं है तो उसे फिर आप प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट यानी जो आपके बेसिक क्लिनिक होती है जहाँ पर बेसिक यहाँ पर सहूलियात मौजूद होती हैं, ईसीजी और ये सारी मशीन्स मॉनिटरिंग के लिए होती हैं, वहाँ पर आप उसको रख के मॉनिटर कर सकते हैं, फ्लूइड वो कर सकते हैं बैलेंस। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ख्याल रखने वाली है वो यहाँ पर ये है कि क्योंकि वो बहुत देर तक हैंग रहा है हवा में तो उसकी वजह से उसकी लिम्स में जो है ब्लड पूलिंग हो जाती है, तो इनमें ऐसे में क्रू को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जो है अपने पैरों को मूव करते रहना है, साइकिलिंग करते रहना है, तो साइकिलिंग करने से ये होता है कि उनके पैर के अंदर जो वेन्स हैं उसके अंदर पूलिंग नहीं होती ब्लड की इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर इसके बावजूद वो साइकिलिंग ना कर पाए, बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, तो आपने उसको बिठाना है, इस पोजीशन पर रखना है फर्स्ट एड देते हुए कि वो नेक इंजरी आपने रूल आउट कर ली कि सर्वाइकल इंजरी नहीं है, कॉलर लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपने उसको बिठाना है पीछे सपोर्ट देकर आप उसको टेक लगा के बिठाएंगे और उसके बाद उसके वाइटल्स वगैरह मॉनिटर करेंगे, उसको अगर आईवी फ्लूइड की जरूरत है तो वो दिया जाएगा, उसको जो है शुगर वगैरह देखी जाएगी उसकी और उसको हवादार वेल वेंटिलेटेड जगह पर रखा जाएगा। इस तरह प्राइमरी सर्वे कंप्लीट होता है और आगे अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाएगा।